मुगलई डिशेस किसे पसंद नहीं है, सभी पसंद करते हैं क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है। और उसमें से एक है मटन चाप, और ये मटन चाप की रेसिपी मैं कोलकाता के रॉयल इंडिया रेस्टोरेंट स्टाइल शेयर कर रही हूँ, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार रेसिपी, ज़बरदस्त जायका है इसका। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता के बहुत ही मशहूर रॉयल इंडिया रेस्टोरेंट की मटन चाप की रेसिपी। इससे पहले मैं चिकन चाप की रेसिपी शेयर की हूँ, देख लीजिएगा। हर रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके से चाप तैयार किया जाता है, मसाले अलग होते हैं, बनाने का तरीका अलग होता है। और यहाँ पे मैं ली हूँ 500 ग्राम मटन, और सबसे ज़रूरी बात, मटन जब भी लें आपको लाइन चॉप लेना ही लेना है, देख लीजिए, जिसे सीने का पीस कहते हैं इसे लाइन चॉप कहते हैं, आप बोलिएगा मटन की दुकान में वो लोग दे देंगे। और उसके साथ हमें बोनलेस मटन चाहिए, इस तरीके से वो लोग देंगे। रान का पीस जो होता है मटन का, वो आपको लेना है, और थोड़ा चर्बी वाला लेना है, देख लीजिए, जैसे मैंने चर्बी वाला यहाँ पे लिया है, थोड़ा चर्बी वाला लेना है, देख लीजिए। और इसे इस तरीके से हमें स्लाइस में कर लेना है, और मटन चाप भी लेना है हमें, चाप तो एकदम मस्ट है मटन चाप के लिए। सबसे पहले इसे हमें फर्स्ट मैरिनेशन करना है, इसके लिए यहाँ पर मैं पपीता का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, छिलके के साथ यूज़ करना है, हाफ टी स्पून है। सभी का कहना है कि मैं ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी कहाँ से शेयर करती हूँ, तो मैं ओरिजिनल रेसिपी किसी से लेती हूँ तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट, और इसमें हमें डालना है थोड़ा सा नमक, नमक अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मसल कर 1 घंटे के लिए आपको रख देना है, फ्रीज में रखिए या बाहर रखिए, कोई बात नहीं है, बहुत तेज़ हड्डी है। और मैं बताता हूँ, आगे भी बहुत सारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मटन की रेसिपी शेयर करूँगी, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे ढककर मैं 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। 60 ग्राम दही, 120 ml गुनगुना दूध, 50 ग्राम मावा, थोड़ा सा जुलियन कट में हमें अदरक चाहिए, और यहाँ पे मैं ली हूँ 50 ग्राम घी, और 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल भी चाहिए। और देख लीजिए यहाँ इसमें मैं ली हूँ 12 से 13 पीस है काजू, 1 टेबल स्पून खसखस, और इसे मैं दूध में 1 घंटा पहले से भिंगा के रखी हूँ, इसे हमें पीस लेना है। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1.5 टीस्पून मिर्ची पाउडर, तीखी वाली मिर्ची है, और हमें लेना है 1/2 टीस्पून शाही मसाला। शाही मसाले की जगह पे मैं बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। इसमें 2 तरह के मसाले डाले जाते हैं, 5 इलायची, थोड़ा सा जावित्री, थोड़ा सा जायफल, इनका हमें पाउडर तैयार कर लेना है, यह मैं रेडी रखी हूँ। 1/2 टीस्पून से भी कम लेना है, 1/2 से भी 1/2 लेना है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और हाँ, किसी भी ओरिजिनल मुगलई रेसिपी में फूड कलर यूज़ नहीं किया जाता है, केसर यूज़ किया जाता है। मेरे पास केसर नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, अभी तक मैं ऑर्डर दी, अभी तक आया नहीं अमेज़न से। और हमें लेना है मुगलई मीठा अतर, क्योड़ा एसेंस का 1/2 टीस्पून मुगलई मीठा अतर का 4 से 5 ड्रॉप। 1 घंटा हो चुका है, पहला मैरिनेशन हमारा कम्प्लीट हो चुका है, अब हमें इसमें दूसरा मैरिनेशन करना है, तो चलिए फटाफट से शुरू। ज़ैफ़रान वाला कलर, तीन टीस्पून प्याज का पेस्ट हमें भरकर लेना है, देख लीजिए। और मैं यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, तीखी वाली मिर्ची है, जीरा पाउडर, और ये है जो मैं मसाला दिखलाई थी, इसे हमें अभी नहीं डालना, कब डालना मैं बता दूंगी। मुगलई मीठा अदरक बाद में डालना है, अभी हमें यहाँ पर 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर डालना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी, और सारे मसाले हमें एक साथ नहीं डालना है, जिस तरीके से मैं 2-2, 3-3 मिनट के लिए गैप देकर डाल रही हूँ, आप भी इसी तरीके से डालिए। रेस्टोरेंट में इसी तरीके से मैरिनेशन किया जाता है मसालों को, जैसे मैंने बताया, सारे मसाले मिलाने के बाद फिर मसाला हमें ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, आप चाहे तो शाही मसाला यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पर डालूँगी सत्तू, 1 टेबल स्पून चने का सत्तू है, फिर इसे डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
हर डिशेस अलग तरीके से हर रेस्टोरेंट में तैयार की जाती है, नज़ाकत के साथ तैयार की जाती है क्योंकि ये मुगलई रेसिपी है। हमें यहाँ पर 60 ग्राम दही डालकर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद 1 घंटे के लिए फिर मैरिनेशन के लिए रख देना है। सबसे पहले हमें चाप के लिए रोगन तैयार करना है। रोगन कैसे तैयार करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और उसमें डालना है घी। जैसे घी डालेंगे साथ में हमें मिर्ची पाउडर भी डाल देना है, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है। फ्लेम को हमें एकदम लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें रोगन तैयार करना है। इसे तैयार करने में 2 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर, और इसे हमें पका लेना है। देखिए मैं फ्लेम को बिल्कुल लो रखी हूँ। 2 मिनट बाद इसे हमें छान लेना है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ वरना इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब इस रोगन को हमें छान लेना है, और इस चाप में हरी मिर्च हल्दी का यूज़ नहीं किया जाता है तो आप भी ना डालें। देखिए यहाँ पर मैं रोगन तैयार कर ली हूँ, इसे रोगन कहते हैं। ये मसाला हमें नहीं चाहिए, और ये तरीका एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल है। बहुत सारी रेसिपी है चिकन और मटन की रेस्टोरेंट स्टाइल, 100% ओरिजिनल रेसिपी है। मैं सारी रेसिपी शेयर करूँगी, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। जिस पैन में मैं रोगन तैयार की थी इसी पैन में मैं 2.5 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल डालूंगी और इसे गर्म होने देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है और दूसरा मैरिनेशन भी हमारा 1 घंटा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर मटन ऐड कर दे रही हूँ। फर्स्ट मैरिनेशन में मैं नमक डाली थी, कम नमक डाली थी, इसलिए मैं नमक यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से चला लें ताकि चारों तरफ नमक अच्छे से मिल जाए। मावा हमें ऐड नहीं करना है, मावा हमें बाद में ऐड करना है। अभी हमें यहाँ पर दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट ढककर पकाना है। बाद में सारे पेस्ट मावा ऐड होंगे, मैं दिखला दूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हमें इसमें मिला देना है मावा, पेस्ट जो पेस्ट में तैयार की थी, ये पेस्ट। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर ले रही हूँ। रोगन तैयार किया, रोगन के नीचे देखिए मिर्ची बैठ गया, इसे हमें नहीं लेना है, बस हमें रोगन चाहिए। अब मैं यहाँ पर डालूँगी हाफ से भी हाफ जावित्री, जायफल, इलायची पाउडर, इन तीनों को मिलाकर पाउडर तैयार करना है। यहाँ पर मैं देखिए हाफ टी स्पून से भी हाफ ले रही हूँ, और हमें यहाँ पर डालना है मुगलई मीठा अतर। मुगलई मीठा अतर मिलाने के बाद अच्छी तरीके से चला लेना है, उसके बाद इसे हमें ढक देना है। फिर ढककर हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है, 20 से 25 मिनट और पकाना है। इसमें पपीता का पेस्ट डाला गया है इसलिए ये जल्दी गल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा बीच बीच में आप। 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए चाप चेक कर लेते हैं। बहुत ही गजब की खुशबू आ रही, मैं बता नहीं सकती हूँ। और चाप की जो ग्रेवी है, ग्रेवी सूखना शुरू हो चुका है। इसे हमें सुखा लेना जितना आपको ग्रेवी चाहिए, चाप में ज़्यादा शोरबा नहीं होता है तो इसे सुखा लीजिए। देखिए सब तरफ से घी और तेल निकलना शुरू हो चुका है, अब मैं इसे सुखा ली हूँ। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ, और ये रेसिपी एकदम ओरिजिनल रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। मटन बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और मटन ने हड्डी को छोड़ दिया है, और ग्रेवी देखिए, ग्रेवी का कलर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, और खुशबू तो मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि पूरा रेस्टोरेंट मेरे घर में चला आया है, इतनी गजब की खुशबू है। और आप कलर देख सकते हैं, चाप का कलर ऐसा दिख रहा है कि मैं इसे जस्ट अभी ऑर्डर की हूँ। और हाँ, मेरी ज़्यादातर रेसिपी ऑथेंटिक और ओरिजिनल होती है, आप चेक कर लीजिएगा। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारी रेसिपी को ट्राई करते हैं, फीडबैक भी बहुत ही जमकर देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी फीडबैक के लिए। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ जुलियन कट में कटा हुआ अदरक से। और हाँ, आप सभी का फीडबैक बहुत अच्छा रहता है, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस रेसिपी के फरमाइश की थी आनंद शर्मा ने, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए ब्रो, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा घर के खाने में और रेस्टोरेंट के खाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। टेस्ट जायका बहुत ही अलग होता है और जो रेसिपी जहाँ की होती है मैं ट्राई करती हूँ, ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी आप तक पहुँचे। और इंशाल्लाह मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, इंशाल्लाह रेस्टोरेंट की सारी रेसिपी आपके किचन तक पहुँचा दूँगी। ये मेरा वादा रहा आपके साथ और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी ट्राई कीजिएगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।